बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्म एंड फॉर्म। तो जिन लोगों ने तो भाई पहली दो वीडियो देख ली, उनको पता होगा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है टैबलेट पे, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था टैबलेट क्या होती है, डेफिनेशन डिस्कस की थी, टैबलेट के मेथड क्या होते हैं, उसमें ग्रेमुलेशन आती है, टैबलेट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, टैबलेट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कल बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। तो जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी, उनसे है कि वो रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। इसका लिंक जो है पिछली वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वीडियो पिछली देख सकते हैं। तो कल की वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू हो जाए, मेन चीज़ जो थी जिसमें ग्रेमुलेशन थी, तो फिर आके हम उसको फर्दर लेके चलते हैं। कल हमने देखा था जी कि टैबलेट के जो मेथड होते हैं वो होते हैं बाई ग्रेनुलेशन, जिसमें वेट ग्रेनुलेशन आती है, ड्राई ग्रेनुलेशन आती है, और यह एक मेथड होता है यूज़ करते हैं जिसको ट्रैक कंप्रेशन बोलते हैं। तो वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन में एक और हमने कल पढ़ा था, वेट ग्रेनुलेशन किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, उन प्रोडक्ट्स के लिए जो डिग्रेड नहीं होती मॉइस्चर से और हीट से, उनको हम बनाते हैं मोस्टली वेट ग्रेनुलेशन से, और ड्राई ग्रेनुलेशन उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जो डिग्रेड हो जाती है मॉइस्चर से भी हीट से भी, इसलिए हम हीट भी अप्लाई नहीं करते, मॉइस्चर भी अप्लाई नहीं करते, तो उनको हम वेट से नहीं बनाएंगे, हम ड्राई ग्रेनुलेशन से बनाएंगे। वेट ग्रेनुलेशन हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट या बाइंडर सॉल्यूशन, और ड्राई ग्रेनुलेशन में हम यूज़ करते हैं प्रेशर। ये तो दो चीज़ें मेन डिफरेंस हो गए वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन में। ड्राई ग्रेनुलेशन को स्लगिंग भी बोलते हैं, रोलर कंपैक्शन भी बोलते हैं, और कंप्रेशन ग्रेनुलेशन मेथड भी बोलते हैं। यही इसके नेम है मोस्टली, ये अक्सर पूछा भी जाता है कि ड्राई ग्रेनुलेशन के नाम क्या है, या स्लगिंग मेथड कौन सा होता है, या कंप्रेशन ग्रेनुलेशन क्या होता है। इसके बाद जो ड्राई कंप्रेशन होता है वो किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली जिनकी कंपैक्शन प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं, लो डोज में होती हैं, या पोटेंट होती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं, इनके लिए हम यूज़ करते हैं ड्राई कंप्रेशन का मेथड, या फिर स्पेशल टाइप के जो एक्सीपिएंट्स होते हैं ग्रानुलर टाइप के, हम उनको यूज़ करके ये मेथड यूज़ करते हैं। ये तो था एक ओवरव्यू। अब हम देखते हैं बेसिकली कि ये जो सारा प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं, ये कि हम टैबलेट बनाने के लिए बेसिकली ग्रेनुलेशन करते हैं या ग्रेन्स बनाते हैं, तो जो मेन टॉपिक है वो है जी कि व्हाई वी मैन्युफैक्चर ग्रेन्यूल्स, कि हम ग्रेन्स क्यों बनाते हैं। ये तो सबको पता ही है कि ग्रेनुलेशन बेसिकली जो होता है मल्टी स्टेज स्टेप होते हैं, चाहे वेट हो चाहे ड्राई हो, इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, फिर उन स्टेप्स के बाद डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ होने के साथ हमारी लेबर भी यूज़ हो रही होती है, टाइम भी यूज़ हो रहा होता है। तो हम बेसिकली जो डिस्पेंस मटेरियल हमारे पास आते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो हम पाउडर्स को क्यों इतनी मेहनत करके ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर्स को ही क्यों नहीं कंप्रेस कर लेते। तो जो इसकी मेन रीजंस हैं, कुछ पाउडर्स होते हैं जिनको हम कंप्रेस कर भी सकते हैं, लेकिन मेनली क्योंकि हमारे ज़्यादातर मेथड जो पाउडर्स हैं कल भी हमने पढ़ा था वो वेट ग्रेनुलेशन के थ्रू ही बनती हैं, तो हम ये ग्रेनुलेशन क्यों करते हैं, चाहे वेट हो चाहे ड्राई हो, पाउडर को ग्रेन्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, आज हम इसकी रीज़न देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले होती है इन्हांस फ्लो। बेसिकली जो पाउडर्स होते हैं इनका फ्लो नहीं अच्छा होता, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन, टैबलेट कंप्रेशन हो चाहे कैप्सूल फिलिंग हो, कि हॉपर से पाउडर फ्लो होके डाई में आएंगे फिलिंग के लिए प्रॉपर, तो उसके बाद ही हमारी वेट में फिल हो, तो हमारी टैबलेट सही उसका वेट पूरा होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो इफेक्ट होते हैं वेट वेरिएशन वगैरह ये रिमूव होते हैं, कैप्सूल में भी फ्लो अच्छा हो तो ही हमारा जो डिजायर्ड वेट होता है वो अचीव होता है, इसलिए फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हमारे पाउडर्स होते हैं बेसिकली इनका फ्लो अच्छा नहीं होता, पाउडर्स का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, रेगुलर शेप्स होती हैं, और इस वजह से ये मोस्टली कोहेसिव होते हैं, अगर इनका फ्लो अच्छा नहीं होता। इस इशू को सॉल्व करने के लिए कि बेसिकली फ्लो इन्हांस करने के लिए हम बनाते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स जब हम बनाते हैं तो क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर साइज होता है, उसकी शेप्स होती हैं, यूनिफॉर्म साइज होता है, तो उनका फ्लो जो होता है वो अच्छा होता है। पहला स्टेप तो ये हो गया कि हम ग्रेन्स इसलिए बनाते हैं कि हम फ्लो को इन्हांस कर सकें, और जो कंप्रेशन में या कैप्सूल फिलिंग में या साशे फिलिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं उनको रिमूव किया जा सके। जो दूसरा पॉइंट है वो है
टू इम्प्रूव कम्पेक्शन। बेसिकली जो पाउडर्स होते हैं इनकी कम्पेक्शन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती। कम्पेक्शन क्या होती है कि जब हम किसी भी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करें, फर्ज किया पाउडर्स पे प्रेशर अप्लाई करके अगर हम टैबलेट बनाएंगे, तो अगर तो उनकी कम्पेक्शन प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी तो वो कंप्रेस होंगे, अगर अच्छी कम्पेक्शन प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी तो बेसिकली वो कंप्रेस नहीं होंगे। इसके रीजन क्या होती हैं, जो पाउडर्स होते हैं बेसिकली ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये प्लास्टिक इन नेचर होते हैं। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में तो हमें पता ही होगा कि इलास्टिक क्या होती है, किसी भी चीज़ को अगर हम खेल के द्वारा छोड़ते हैं तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं इलास्टिक, अगर वो डी शेप हो जाते हैं तो बेसिकली इसको प्लास्टिक बोलते हैं। तो पाउडर जो होते हैं ये इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक इस सेंस में होते हैं कि जब हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं सिंपली, जैसे सैंड को लेके हाथ में अगर हम इसे प्रेस करके छोड़ दें या सॉइल के एग्जाम्पल ले लें, तो थोड़ी देर बाद उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। इसी तरह अगर हम उसके अंदर थोड़ा उसको वेट कर दें, पानी डाल के, सॉल्वेंट डाल के, या कुछ सैंड मिक्स करके ड्राई करके उसको एक थोड़ा फाइन मैश से निकाल लें, तो वो दानेदार सी बन जाती है। दोबारा अगर हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बेसिकली वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनकी बाउंडिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए हम पाउडर्स को जब कन्वर्ट करते हैं ग्रेन्यूल्स में, तो क्योंकि पाउडर्स होते हैं हमारे इलास्टिक, तो ग्रेन्यूल्स में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो बन जाते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिसिटी ये होती है कि जब हम ग्रेन्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं कंप्रेशन मशीन के थ्रू, तो जब डी शेप होते हैं तो उनका रीगेन करने का जो चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह कैपिंग वगैरह जो चांसेस होते हैं हमारे खत्म हो जाते हैं। पहला स्टेप हो गया एनहांस फ्लो, दूसरा हो गया इम्प्रूव कम्पैक्शन, तीसरा स्टेप जो होता है कि हम ग्रेन्स क्यों बनाते हैं वो होता है प्रिवेंट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होती है, बेसिकली डी मिक्सिंग होती है ड्यू टू द डिफरेंस इन पार्टिकल साइज और डेंसिटी की वजह से। हमारे जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल होते हैं या डेंस लोअर डेंस हायर डेंस जो मटीरियल होते हैं, जब इनको मिक्स किया जाता है तो ये सेपरेट हो जाते हैं। जो स्मॉलर होते हैं या डेंसर होते हैं वो बॉटम पे आ जाते हैं, चाहे वो हमारा मिक्सर हो या चाहे हॉपर हो फ्लो इस वजह से, और चाहे जो जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होंगे या लेस डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली टॉप पे आ जाते हैं। इस वजह से ये सेपरेशन हो जाती है। हमारे पास अगर मिक्सचर हो छोटे बड़े तीन साइज के पार्टिकल दिखाए गए, अगर हम इनको मिक्स करेंगे तो ये स्मॉलर नीचे आ जाएंगे उससे ऊपर बड़े पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे और ये सेग्रीगेशन हो जाएगी। बेसिकली ये सेग्रीगेशन की वजह से हमें जो इशू आते हैं वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें आ रहा है जी इम्प्रूव एसे। अगर हमारे इसके अंदर ड्रग है और अगर हम इसको मिक्स कर रहे हैं और ये सेग्रीगेट हो जाता है, तो सेग्रीगेशन की वजह से हो सकता है हमारी ड्रग जो या तो नीचे बैठ जाए या ऊपर आ जाए, या जो उसकी मिक्सिंग है वो इफेक्ट होगी। तो बेसिकली पाउडर की जो मिक्सिंग होती है वो यूनिफॉर्मली होगी। जब हम ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं तो उनमें जो मिक्सिंग होती है हमारी वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। उस यूनिफॉर्म मिक्सिंग की वजह से हमारा जो एसे होता है वो भी इम्प्रूव होता है, यानी कि जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होती है टैबलेट की या जब हम ब्लेंड की एनालिसिस करते हैं एसे के लिए, तो उसमें हमारे जो वेरिएशन के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जो हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें हम सारे पाउडर्स को प्रेशर के थ्रू या सोलवेंट यूज़ करके एक ग्रेन की शेप में दे देते हैं, तो वो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एक ग्रेन में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो बेसिकली सेपरेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारी जो सेग्रीगेशन होती है या डी मिक्सिंग होती है वो ग्रेन्यूल्स की वजह से नहीं होती, इसलिए हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। अब अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो वो है इंक्रीज बल्क डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स। पाउडर्स की जो बल्क डेंसिटी होती है वो कम होती है, जो ग्रेन्यूल्स होंगे उनकी डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बेसिकली ग्रेन्यूल्स के जो डेंसर डेंस हो जाते हैं ग्रेन्यूल्स, उनकी जो फिलिंग होती है डाइस के अंदर वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, ईजी डाई फिलिंग होती है। इसकी वजह से अब हमने पढ़ लिया एनहांस फ्लो, इम्प्रूव कम्पैक्शन, प्रिवेंट सेग्रीगेशन, इम्प्रूव एसे, इंक्रीज बल्क डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स, और ईजी डाई फिलिंग होती है, प्रिवेंट वेट वेरिएशन। बेसिकली जब हम पाउडर्स को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन या कैप्सूल फिलिंग, तो फ्लो की वजह से चांसेस होते हैं कि उनका फ्लो कम होता है, क्योंकि तो वेट वेरिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक डिफेक्ट भी आता है इसमें, बेसिकली जब पाउडर्स फ्लो कर रहे होते हैं हापर में से या ब्लेंडर में से, तो रैट होलिंग में पाउडर हमारा साइड पर स्टिक कर जाता है, तो दरमियान में एक नैरो होल बन जाता है जिसकी वजह से जो है जैसे रैट होल होता है, उस वजह से भी वेट वेरिएशन होती है। तो ग्रेन्स को जब हम पाउडर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रेन्यूल्स में, तो क्योंकि ग्रेन्यूल्स का जो फ्लो होता है वो अच्छा होता है, इसलिए हमारा जो
वेट वेरिएशन के डिफेक्ट होते हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं और वेट वेरिएशन नहीं आती हमारी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है प्रिवेंट डस्टिंग। बेसिकली जब हम पाउडर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, जब ग्रेनुलेशन में हों, कंप्रेशन में हों, किसी भी स्टेज पे हों, तो उनमें डस्टिंग ज़्यादा होती है, यानी हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो डस्टी होता है, डस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो जब हम ग्रेन्यूल्स में ला जाते हैं पाउडर्स के, तो क्योंकि उसमें फाइन पाउडर होता तो है लेकिन बहुत कम होता है, तो जो डस्टी एनवायरमेंट होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से हमारा जो क्रॉस कंटेमिनेशन, एक और स्टेप ऐड कर लेते हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन, तो इस डस्टी एनवायरमेंट की वजह से जो कि रिड्यूस हो जाता है ग्रेन्यूल्स में, हमारे क्रॉस कंटेमिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है लाइन लॉस। तो बेसिकली जब अगर डस्टिंग की वजह से हमारे पाउडर्स पे जो लॉस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जब हम ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं तो ग्रेन्यूल्स की वजह से भी जो हमारा लाइन लॉस होता है वो मोस्टली कम हो जाता है। तो ये था एक ओवरव्यू कि हम ग्रेन्यूल्स क्यों बनाते हैं। 2 मिनट मोटे मोटे लफ्ज़ों में दोबारा इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि बेसिकली हम पाउडर्स को ग्रेन्यूल्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं। पहली रीज़न ये होती है कि हम फ्लो को इन्हांस करें, दूसरी होती है इसके कम्पेक्शन को इन्हांस करें, तीसरी होती है सेग्रीगेशन प्रिवेंट करें, वेट वेरिएशन को प्रिवेंट करें, उसके बाद हमारा होता है ऐसे इम्प्रूव हो जाए हमारा, उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है जी कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाए, डाई फिलिंग में ईजी हो जाए, डस्टी एनवायरमेंट हमारा कम हो जाए, और लास्ट पे जो होता है बेसिकली कि लाइन लॉस रिडक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि वेट ग्रेनुलेशन जो होता है इसके स्टेप्स क्या होते हैं, एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उसको एक्सप्लेन करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।